हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी बॉय होने के सिम्टम्स के बारे में, और अगर एक गर्भवती महिला में कुछ लक्षण मैच कर जाते हैं तो कितने प्रतिशत आपके चांस होते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले लक्षण को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है आपकी नाभि लाइन को लेकर। तो नाभि लाइन जो है, इसे प्रेगनेंसी लाइन भी कहा जाता है, और इस लाइन को लेकर बहुत सी बातें सुनने में आती है। जैसा कि कुछ गर्भवती महिलाओं में ये लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, तो कुछ में ये सीधी नहीं दिखाई देती, कुछ में ये बहुत डार्क दिखाई देती है, तो कुछ में ज्यादा डार्क दिखाई नहीं देती। और ये माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ये लाइन बहुत ज्यादा डार्क है और बिल्कुल सीधी जा रही है आपके नाभि के ऊपर से लेकर नाभि के नीचे तक, तब आपको एक बेबी बॉय होगा। वहीं अगर ये लाइन हल्की है और थोड़ी सी भी टेढ़ी है, तब ये माना जाता है कि आपके गर्भ में एक बेबी है। चलिए दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये 100% सही है, क्योंकि कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं जिनकी नाभि लाइन बहुत ज्यादा डार्क होती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी नाभि लाइन लाइट होती है, या फिर कुछ कुछ में तो ये दिखाई भी नहीं देती। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसका सीधा कनेक्शन बेटा या बेटी से है या फिर नहीं? तो चलिए आपके डाउट को क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है और आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, तो उनमें से ही एक हार्मोन होता है जिसे मेलानिन कहा जाता है। और जिन गर्भवती महिलाओं की बॉडी में मेलानिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है, उन गर्भवती महिलाओं के पेट पर ये लाइन काफी ज्यादा डार्क दिखाई देती है। लेकिन जिन गर्भवती महिलाओं की बॉडी में मेलानिन बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित नहीं होता है, उनकी बॉडी में ये इतना ज्यादा डार्क नहीं दिखाई देता। तो ये था दोस्तों इस काली लाइन के पड़ने के पीछे का रीजन, यानी कि आपकी बॉडी में जो ये काली लाइन पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, ये सिर्फ मेलानिन के ऊपर डिपेंड करती है, इससे लड़का या लड़की का पता नहीं चलता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।